औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह आपकी खिदमत में हाज़िर है, सलाम कबूल करें। अल्लाह ताला आपके वालदैन का साया आपके सरों पर सदा सलामत रखे। अल्लाह ताला उनको लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला उनको लंबी और आपको भी उनकी खिदमत करने की तौफीक अता करे, आमीन। जिनके वालदैन फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत अल फरदौस में आला मुकाम अता करे, उनकी बख्शिश फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला आपको, आपके बीवी बच्चों को, आपके बहन भाइयों को, आपके अजीज़ो अकारब को, आपके सब यारों दोस्तों को लंबी से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे अपने सिवा। अल्लाह ताला आपकी कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह ताला उनको नेक और सालिया औलाद अता करे, आमीन। अल्लाह ताला जिनका रिजक नहीं, अल्लाह ताला जिनको रिजक रोज़ी या नौकरी नहीं, अल्लाह ताला उनको नौकरी अता करे। जिनका जो जिनके कारोबार नहीं चलता, अल्लाह ताला उनका कारोबार वसी तर वसी करे। तो जो मेरे मुल्क से बाहर बहन भाई हैं, अल्लाह ताला उनको कदम ब कदम अपनी हिफ्ज़ोमान में वक्त रखे। वो खैर वक़रियत से गए हैं और खैर वक़रियत से वापस आए। अल्लाह ताला उनको अपने वो अपने बीवी बच्चों, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों में खैर वक़रियत से वापस आए। जिस मकसद के लिए वो गए हैं, वो अपना मकसद पूरा करके वापस आए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें। आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि तबीयत सर्दी की वजह से कुछ नासाज थी, इसलिए वीडियो नहीं बना सका। तो एक हफ्ते के बाद तकरीबन वीडियो बना रहा हूं। तो आज मेरी वीडियो का इनवान है कि रिश्ते नाते सब जो है ना, वो मतलब परस्त हो चुके हैं। क्योंकि अगर किसी को किसी से कोई मतलब है तो वो आपको बुलाएगा, वरना वो आपको कभी भी आपको बुलाएगा नहीं, आपसे बात नहीं करेगा। अगर आप सामने से किसी के आ रहे हैं ना, तो अगर आपको आपसे मतलब होगा तो वो आपसे हाथ मिलाएगा, वरना रास्ता बदल कर दूर से गुजर जाएगा। तो ये दुनिया की फितरत बन चुकी है कि रिश्तों को जो है ना, वो भूल चुके हैं, प्यार को मोहब्बत को भूल चुके हैं। क्योंकि पहले वक़्त के लोग जो थे ना, उनमें प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा होता था। वो रात जब रात को गांव में इकट्ठे होते थे ना, तो रात को वो एक जगह पर सब लोग अपने अपने जो है ना काम से फारग होकर एक जगह पर इकट्ठे होते थे, हुक्का पीते थे। तो वहाँ पर अपनी जो बातें हैं ना, वो एक दूसरे से शेयर करते थे। तो आजकल तो ये किसी के पास टाइम ही नहीं है कि एक दूसरे से अपनी बात जो है ना, वो शेयर कर सके। क्योंकि उस वक़्त जब शेयर करते थे ना, तो एक दूसरे में मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ती थी। वो एक दूसरे के दुख सुख सब जो है ना, वो दुख सुख से साथी होते थे। तो आजकल तो जो एक भाई अपनी भाई का जो है ना, वो दुख में शरीक नहीं हो सकता। वो कहता है कि अगर इसको दुख आया ना, तो या इसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है ना, तो वो इसको छोड़ ही देता है, अपने भाई को छोड़ देता है। तो ये बहुत गलत बात हो चुकी है। खून, जिससे कहते हैं ना खून सफ़ेद हो गए हैं, वो हो चुका है। तो ये सब ये एडवांस जो दुनिया चल रही है, इसकी वजह से हो चुका है। तो खैर, जो मज़हब के लोग हैं, उनकी आदात हमने अपना ली हैं। और जो हमारे आका पाक ने हमको फरमाया था कि ये अपने भाई, अपने वो जब हिजरत करके गए थे ना, तो एक इंसार और एक महाजर को आपने आपस में भाई भाई बना दिया था, और उसकी आधी दौलत उसको दे दी थी और उसकी आधी दौलत उसको दे दी थी। ये था प्यार मोहब्बत। तो आजकल ऐसा प्यार मोहब्बत नहीं मिलता। वो उस वक़्त की मिसालें अभी तक जो है ना, वो मिलती हैं। तो हमें आका पाक ने यही फरमाया है कि हर मुसलमान आपका भाई है, एक दूसरे का मुसलमान भाई है। तो जो अगर बात करें कि माओ बहनों की, तो वो आजकल तो जिसकी माँ है उसकी माँ है, जिसकी बहन है और उसी की बहन है। वो दूसरा जो है ना, वो कोई उसको अपनी माँ बहन नहीं समझता।
क्योंकि अगर दोस्त की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझोगे ना तो आपकी माँ बहन की भी इज्जत होगी, अगर दोस्त की माँ बहन की इज्जत नहीं करोगे तो फिर आपकी माँ बहन की भी इज्जत कोई नहीं करेगा। तो ये बातें अभी तक अल्लाह ताला तो वही है ना, वो तो नहीं बदले, इंसान बदल गए हैं, इंसान के दिल बदल गए हैं, इंसान के दिमाग बदल गए हैं। तो इस तरह बदलने से इंसान जो है ना वो बदतमीज़ और गैर महज़ब या जो है ना वो हो गया है। तो ये इंसान में फितरत बहुत गलत आ चुकी है। हमें चाहिए कि हम अगर अपने दोस्त की या भाई की या किसी मोहल्लेदार की बहन माँ बहन है ना तो उसको अपनी माँ बहन समझे, उसकी इज्जत करें, तो फिर लोग आपकी माँ बहन की भी इज्जत करेंगे। अगर हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे ना तो हमारी माँ बहन की भी इज्जत कोई नहीं करेगा। तो इस तरह प्यार बांटें, एक दूसरे में प्यार बांटें। अल्लाह ताला का भी फरमान है, अल्लाह ताला का मज़हब प्यार है। तो जब हम एक दूसरे से प्यार से पेश आएंगे तो वो इंसान पागल नहीं होगा कि वो आपका साथ नहीं देगा। अगर आप किसी का आज साथ दोगे ना बुरे वक़्त में तो वो बुरे वक़्त में आपका भी साथ दे सकता है। अल्लाह ना करे इंसान पर बुरा वक़्त और अच्छा वक़्त आने के लिए आने जो है ना वो देर नहीं लगती, आते वो देर नहीं लगती। तो कोशिश यही किया करें कि हर जो मुसलमान हमारा भाई है ना उस पर अगर बुरा वक़्त आ जाए ना तो फिर उसका साथ दिया करो। तो अगर आप उसका साथ दोगे ना अल्लाह ताला आपका साथ देगा। तो कोशिश यही किया करो कि हर मुसलमान भाई जो साल के तौर पे वो कर्ज की वजह से नीचे दब गया है ना तो कोशिश यही किया करें कि उसकी हौसला अफजाई किया करें, उसको तहे दिल से उसकी साथ दें, अगर हो सके तो उसकी मदद भी करें। अगर आप मदद खुद नहीं कर सकते ना तो अपने दोस्त या कोई भाई बहन जो आपके रिश्तेदारों में कोई अच्छा खाता पीता हो तो उसको कहें कि ये मेरा दोस्त है, इसकी मदद करें। तो ऐसे जब हम एक लड़ी से लड़ी बांधेंगे ना, एक मदद से मदद करेंगे, किसी एक की मदद की उसको कहें कि आगे तुम दो की मदद करना, वो आगे दो की मदद करेगा, उसको कहोगे कि आप आगे चार की मदद करना। तो इस तरह जब चेन बन जाएगी ना तो फिर कोई भी जो है ना वो इस तरह बेगार या जलील व ख्वार नहीं होगा। इस तरह एक चेन बनाएं तो इस तरह प्यार बढ़ता है। तो रिश्ते जो रिश्ते की इज्जत होती है ना वो रिश्तों की इज्जत करें। हर इंसान जो है ना वो इस वक्त यही भाग दौड़ में लगा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमा लूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमा तो लेगा मगर जो वक़्त से रिश्ते जो उसके पीछे रह जाते हैं ना वो उसको नहीं मिलते फिर। तो कोशिश यही करें कि आप अपनी कमाई भी करें और अपने जो रिश्ते हैं ना उनको भी साथ लेकर चलें। तो अगर रिश्तों का साथ लेकर नहीं चलेंगे ना तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आगे जाकर आप जो अकेले रह जाएंगे, जब अकेले रह जाएंगे तो पीछे मुड़ के देखेंगे तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो कोशिश यही करें कि अल्लाह ताला हमें अपने मुसलमान भाइयों की मदद करने की तौफीक अता करें, अल्लाह ताला हमको अच्छे और नेक अमाल करने की तौफीक अता करें, अल्लाह ताला हमें हर 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 जो है ना जो मुसलमान हमारा भाई जो कर्ज में दबा है या कोई किसी भी हालत में वो उसकी हालत ख़राब हो चुकी है तो हमें उसकी मदद करने की तौफीक अता करें। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी करें, आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है। तो फिर नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए सैयद अख्तर अली शाह को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।